हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल नो व्हाट आर द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया एंड आल्सो वी विल अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस दैट मेड देम वैल्यूएबल फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड द कंट्री मैन एज वेल। सो फ्रेंड्स, एज द टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो, सो प्लीज वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। And those who are new to our channel, please subscribe our channel, India's Learner. Now let's start with the first national symbol of India, that is the national flag, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा जिसे हम कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। The national flag is called तिरंगा। हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या झंडा जिसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, इट इज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी। हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत देश की अखंडता, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। जैसा कि देख रहे हैं आप, इट हैज थ्री कलर्स। इसमें तीन कलर हैं। प्रत्येक रंग किसी ना किसी महत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे सैफ्रन। सबसे पहले हमारे पास एट द टॉप जो कि है सैफ्रन केसरिया। यह रंग हमारे भारत के शहीदों का, सैनिकों का और लोगों का साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो वहीं सेंटर में सफेद रंग वाइट सिंबलाइज करता है पीस एंड ट्रुथ, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। एट द बॉटम वी हैव ग्रीन कलर, हरा रंग। हरा रंग जो कि भारत देश की सुख समृद्धि और खुशहाली, हरियाली का प्रतीक है। इट सिंबलाइज प्रोस्पेरिटी एंड लाइफ। ऑल्सो वी हैव एट द सेंटर धर्म चक्र और व्हील ऑफ लॉ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र है, अशोक चक्र जिसे हम कह सकते हैं, और इसके अंदर 24 तीलियां हैं, 24 स्पोक्स हैं, जो कि भारत की भाषाई अखंडता को दर्शाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज अ नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक। हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड जॉय। यह दिखने में बहुत सुंदर होता है, सुंदरता का प्रतीक है और इसकी आभा देखते ही बनती है, जिसके कारण दैट्स व्हाई इट हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। हमारे भारतीय कला और संस्कृति में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप देखते हैं, हमारे भारतीय डिजाइन्स में और आर्किटेक्चर में, साथ ही पैटर्न्स में, चाहे वे रंगोली हो, मेहंदी हो, किसी भी तरह की कलाकृति हो, मोर के आकृति का, कलाकृति का एक अपना ही अलग स्थान है। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज रॉयल बंगाल टाइगर। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह पावर और स्ट्रेंथ, शक्ति का, सामर्थ्य का प्रतीक है। और इट हैज अ थिक येलो कोट ऑफ फर एंड डार्क स्ट्राइप्स। बात अगर इसके लुक की करेंगे तो इट हैज अ थिक येलो कोट ऑफ फर। इसकी स्किन पर एक बहुत ही जो है थिक येलो कलर की जो फर है वह दिखाई देती है, और साथ ही जिस पर डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर के स्ट्राइप्स यानी पट्टियां भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प या फूल। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, लोटस। इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड अचीवमेंट। हमारा
राष्ट्रीय पुष्प कमल यह प्योरिटी शुद्धता का और अचीवमेंट का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे इंडियन यानी हिंदू रिलीजियस जो है कम्युनिटी में और में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है कमल का। सभी गॉडेस और गॉड के से जुड़ा हुआ है यह पुष्प, आपने देखा ही होगा। तो कमल यह कीचड़ में रहकर भी अपने आप को कीचड़ में नहीं डूबने देता, यह बहुत ही सुंदर और भव्य दिखता है। इसी कारण यह प्योरिटी को दर्शाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। यह क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, पानी में यह जो है उगता है। एंड इट हैज़ वाइड फ्लोटिंग लीव्स, इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं जो कि पानी के ऊपर रहती हैं। नेक्स्ट, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन इज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। इट वॉज कंपोज्ड बाय नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। यह बंगाली कवि जो हैं, जो कि नोबल पुरस्कार प्राप्त हैं, से सम्मानित हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे कंपोज किया था, जन गण मन। अधिनायक जो है यह हम प्रत्येक सभी को पता ही है, हम सब गाते ही हैं कहीं ना कहीं। प्लेइंग टाइम ऑफ द नेशनल एंथम इज अबाउट 52 सेकेंड। इसके राष्ट्रगान के गाने का जो निर्धारित समय है वह है 52 सेकेंड का समय। जन गण मन यह राष्ट्रगान हमारे जीवन शैली के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सभी किसी ना किसी स्कूलिंग से, किसी ना एकेडमिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, अपने स्कूलों में, अपनी जो है वर्किंग प्लेस पर, और स्पेशली नेशनल जो है फेस्टिवल्स पर हमने इसे गाया है। तो यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान का प्रतीक है, देश की गौरव का प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान। इसे पूरे सम्मान के साथ गाया जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। यह राष्ट्रगीत हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक बंगाली कवि हैं, उनकी रचना आनंद मठ से यह लिया गया है। राष्ट्रगीत की आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता मिली है। इन द सॉन्ग ही प्रेस्ट द नेचुरल ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ द मदरलैंड। इस गीत में उन्होंने हमारे भारत की मातृभूमि को, की प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता को दर्शाया है और उसकी प्रशंसा की है। आगे नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय जो मुद्रा है वह क्या है, देख लेते हैं। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड इंडियन रुपी। हमारी भारतीय जो मुद्रा है उसे हम भारतीय रुपया भी कहते हैं। और इसका जो सिंबल है वो आप देख रहे हैं इमेजेस में। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। प्रत्येक देश की एक अपनी कोई करेंसी या मुद्रा होती है जिसमें उस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर लेन देन का काम चलता है। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी वॉज डिजाइंड बाय उदय कुमार धर्मलिंगम। यहाँ पर जो प्रतीक आप देख रहे हैं, चिन्ह हमारे राष्ट्रीय मुद्रा का, वह उसे डिजाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम जी ने। नेक्स्ट, नेशनल एम्ब्लम, राष्ट्रीय प्रतीक। जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है? जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और नेशनल एम्ब्लम जो है इज द सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत सरकार की मोहर भी है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ द ग्रेट इंडियन किंग अशोक। हम अपने नेशनल एम्ब्लम को लायन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, जो कि मौर्य महान मौर्य सम्राट अशोक के लायन कैपिटल से लिया गया है। बुक की बात करें तो इट हैज फोर लाइंस फेसिंग द फोर डायरेक्शन। वैसे देखने में यह तीन दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में दीज आर फोर लाइंस, चार लाइंस हैं जो कि चार अलग अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। ऑल्सो द बेस ऑफ द एम्ब्लम हैज अ हॉर्स एंड बुल।
इसके बेस में हम देख सकते हैं एक हॉर्स और एक बुल भी है। हॉर्स यहाँ पर सिंबलाइज करता है एनर्जी एंड स्पीड को, तो वही बुल सिंबलाइज करता है हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम को। देयर इज अ व्हील ऑल्सो बिटवीन द बुल एंड द हॉर्स। यहाँ पर हॉर्स और बुल की आकृति के बीच में एक चक्र भी दिया हुआ है। यह जो चक्र है यह काफी महत्वपूर्ण है और इसके नीचे हम मोटो देख सकते हैं, वह है सत्यमेव जयते, इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। एंड बिलो द नेशनल एम्बलम इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वह है सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे भारत सरकार के गौरव के लिए, पूरे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसकी हमें पूरे सम्मान के साथ आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल क्या है? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। आम ही हमारा राष्ट्रीय फल है। इट इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया एंड इज वेल नोन फॉर इट्स रिच फ्लेवर। यह भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, पाया जाता है और साथ ही यह जाना जाता है अपने बहुत ही मीठे और मधुर स्वाद के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। इसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल, भारत का राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वह क्या है? जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, इंडियन एलिफेंट इज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे भारतीय विरासत का एक और जो प्रतीक है वह हमारा राष्ट्रीय पशु जो कि है, यहाँ पर हेरिटेज एनिमल की बात कर रहे हैं, वह है इंडियन एलिफेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज अ नेटिव टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया। हमारा इंडियन एलिफेंट जो है ये स्पेशली इंडिया के मेनलैंड में ही पाया जाता है। इट हैज़ बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड एनिमल्स ड्यू टू हैबिटेट लॉस। इसके बारे में एक और बात यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है कि यह जो हमारा राष्ट्रीय सम्मान का एक प्रतीक है हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट, वह अब एंडेंजर्ड लिस्ट में ऑफ एनिमल्स में शामिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो हैबिटेट है वह लॉस हो चुका है जिसके कारण यह एंडेंजर्ड लिस्ट में पाया गया है। तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। आगे देखेंगे नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी वह क्या है? गंगा इज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। इट इज द मोस्ट सैक्रेड रिवर टू हिंदूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र नदी इसे माना जाता है हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की नदन इंडिया की यह सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर गंगा नदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, हम सभी जानते ही हैं, बहुत पहले से भी रहा है। नेक्स्ट, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है, कौन है? द गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन यानी गंगा नदी डॉल्फिन। इट लिव्स इन द गैंजेस एंड वाज फाउंड इन द साउथ एशियन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यह मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है और साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी साउथ एशियन रिवर्स और उनकी जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज में भी यह अक्सर पाई जाती है। इट इज द ऑफिशियल एनिमल ऑफ इंडियन सिटी ऑफ गुवाहाटी। साथ ही यह भारत के भारतीय शहर गुवाहाटी जो असम में है वहां का भी एक आधिकारिक पशु है। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष पेड़ क्या है? बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय जो ट्री है वह है हमारा बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। इट इज़ अ नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली। यह मुख्यतः हमारे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में यानी भारत और भारत से जुड़े हुए कुछ देशों में पाया जाता है। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। और यह देखा जाए तो
यह हमारे विश्व के जो जितने भी लार्जेस्ट ट्री है उनमें से शामिल है। नेशनल प्लेज की हम यहाँ बात करेंगे अंत में। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा वह क्या है? नेशनल प्लेज, इंडिया इज अ कंट्री, इज अ नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, जो कि हम अक्सर ही अपने स्कूलों में सभी सभी जानते ही हैं, अपने स्कूलों में अक्सर नेशनल फेस्टिवल्स के दौरान या फिर रेगुलर असेंबली में भी इसको बोलते ही हैं कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी इसके जो हैं, हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं। तो ये सभी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस रिसाइट इसको करते ही हैं। इट वॉज कंपोज बाय पायदी मरी वेंकट सुब्बराव। तो यह है, लिखा है पायदी मरी वेंकट सुब्बराव जी ने इसको कंपोज किया था। इट इज एन ओथ ऑफ एलिगेंस रिसाइटेड इन स्कूल्स ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल्स। यह हमारा एक शपथ है देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, और यह स्कूल्स में अक्सर रेगुलर असेंबली में या नेशनल फेस्टिवल्स के दौरान इसको दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है। यहाँ पर देख लेंगे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शेल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट, आई शेल गिव रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स एंड ट्रीट एवरी वन विद कर्टसी, टू माई कंट्री एंड टू माई पीपल आई प्लेज माई डिवोशन, इन देयर वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। जय हिंद। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज। थैंक यू।